चंद्रायन गुट्टा भारत पेट्रोल पंप में पार्क की हुई स्कूल बस में आग लग गई, क्योंकि ये पेट्रोल पंप काफी दिनों से बंद था और यहाँ कोई आता जाता नहीं। गाड़ियों के पीछे यही कई देखते हुए थे। पुलिस को चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर नजर रखे और पेट्रोल पंप्स के ओनर्स को ताकीद करे। बाद अजा चंद्रायन गुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा इतला के साथ ही वहां पहुंची और आतिश फरोग अमले की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान हनुमंत और सिमी के अलावा दीगर अमला भी मौजूद थे। सादिक अली है, मैं लीडिंग फायरमैन हूँ स्टेज फायर स्टेशन मोगलपुरे का। हमारे को फायर कंट्रोल से कॉल आया है, कॉल आते हम इमीडिएटली हम स्पॉट पे आ गए। अगर आने के बाद हम लोग उस फायर को कंट्रोल कर लिए, वरना ये पेट्रोल पंप है ये, अगर हम थोड़ा भी मिस होते और हमारे पुलिस वाले कॉपरेट नहीं करते तो खुद हादसा बहुत बड़ा हो जाता था ये। फिर भी अलहमदिल्ला कंट्रोल में आ गया फायर और फायर कंट्रोल कर लिया हम लोग, बड़ा हादसा होने से हम बच गए। ये कहाँ पर और कब हुआ सर? ये जस्ट हाफ एन आवर बिफोर हुआ ये फायर। ये उस एरिया में ये चंद्रायन गुट्टा बारकास रोड है, ये रिलायंस मार्ट है, उसके बाजू के पेट्रोल पंप है, बंद पेट्रोल पंप है ये। पेट्रोल पंप के अंदर ये स्कूल का गाड़ी है, वो गाड़ी यहाँ पर कब से बंद पड़ा हुआ है मुझे नहीं मालूम है। वो उसमें फायर हो गया था, सामने के हिस्से में फायर हो गया। वो हम लोग कंट्रोल कर लिए जी सर। पेट्रोल पंप बंद है या पार्किंग है? पेट्रोल पर बम बंद बंद है ये, पार्किंग है नहीं है हमको नहीं मालूम है इसके बारे में। यहाँ पर खाली गाड़ी ठहरी हुई है, यहाँ पर जो वो लागे लग दी है यहाँ पे, हम लोग उसको कंट्रोल उसकी इंक्वायरी भी कर रहा, तो उस लोग कोई भी नहीं बता रहे कि यहाँ पर गाड़ी क्यों रखे, क्या रखे, कौन रखने दिया, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है।